नमस्कार, मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव द्वारा बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार 30,000 चयनित शिक्षकों के साथ अमानवीयता कर रही है। वेरिफिकेशन सहित सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी हो गई है, उसके बाद भी उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जबकि हमारी सरकार के दौरान प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया था और भाजपा सरकार बनने के बाद फिर वही अन्याय का सिलसिला चालू हो गया है। और क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश सरकार 30,000 चयनित शिक्षकों के साथ अमानवीयता कर रही है, अन्याय कर रही है, जिनका वेरिफिकेशन सहित सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, उसके बाद भी उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जबकि हमारी सरकार के दौरान इनकी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया गया था और भाजपा सरकार बनने के बाद फिर वही अन्याय का सिलसिला चालू हो गया। कांग्रेस पार्टी चयनित शिक्षकों के आंदोलन में उनके साथ है। हमारे नेता कमलनाथ जी ने इस संदर्भ में पूर्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र भी लिखा था और समय समय पर ट्वीट के माध्यम से भी आंदोलन को समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी चयनित शिक्षकों के साथ है। वहीं आष्टा में पार्वती नदी के तट पर स्थित प्राचीन भगवान शंकर के मंदिर में श्रद्धालुगणों का तांता लगा रहा। इस साल शासन प्रशासन द्वारा जारी कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिर के प्रमुख पुजारी राजगिरी महाराज सहित मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी जा रही है। मंदिर में कोरोना नियमों का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से पहले ही हमने दो दिन पहले मध्य प्रदेश शासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए हैं और हर प्रकार से श्रद्धालु भक्त जो आए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के आए, हाथ धोकर आए, इस प्रकार की विशेष हम लोगों ने। वहीं भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक बयान दिया है। इस बयान में मंत्री ने सरकार द्वारा अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन में की गई वृद्धि पर कहा है कि हमारी सरकार कल्याणकारी सरकार है, हमारी सरकार ने कर्मचारी और अधिकारियों के अधिकार का संरक्षण किया है। आइए जानते हैं विश्वास सारंग ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार आकंठ था, कालाबाजारियों का राज था। आज जो भी घोटाले घपड़े पकड़े जा रहे हैं वो कांग्रेस के समय से, हमने तो उनको उजागर करने का काम किया है, हम उजागर करते हैं। और वहीं भोपाल में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि ये बैठक शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और विकास प्राधिकरणों के कामकाज को लेकर हुई है। इस दौरान लंबित परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही साथ बस स्टैंड पर यात्री सुविधाएं व्यवस्थित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं इंदौर के जेल रोड स्थित श्रम आयुक्त कार्यालय पर लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ सहायक निरीक्षक को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि तिलक नगर सहकारी संस्था के अध्यक्ष दिलीप बोरसी की एक शिकायत का निराकरण करने को लेकर सहकारी संस्था के वरिष्ठ सहायक निरीक्षक प्रमोद तोमर ने 15,000 की रिश्वत की मांग की थी। इससे पहले वहां फोन पर चर्चा कर 5,000 रिश्वत ले चुके थे। वहीं इसके बाद उन्होंने कार्यालय पर फरियादी दिलीप बोरासी को बुलाकर 10,000 रुपए लेने की बात कही थी। इस पर लोकायुक्त ने टीम गठित कर मौके पर पहुंची और जैसे ही फरियादी ने प्रमोद तोमर को 10,000 दिए, टीम ने मौके पर दबिश देकर रंगे हाथों उन्हें पकड़ लिया। लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया और साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। आए दिन पूर्व अध्यक्ष द्वारा झूठी शिकायत की जाती है और तोमर साहब पहले भी 10 साल पहले यहीं अधिकारी थे, पूर्व अध्यक्ष से मिले हुए हैं ये, और आए दिन मुझे परेशान किया जाता है, अन्य ईमानदार व्यक्ति का अध्यक्ष बनना मुझे। रुकरते वाली खबर की ओर। रतलाम के जावरा में अंडर ब्रिज निर्माण में घोर लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक कार अंडर ब्रिज में डूब गई, कार सवार महिला और युवक ने पानी में कूद कर किसी तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश की। आपको बता दें कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। खबर पिपलौदा से है, जहां ग्राम पंचायत सुखेड़ा के सचिव रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि सचिव ने आवेदक से फलों उद्यान योजना की फाइल को
ठहराव प्रस्ताव करके योजना का लाभ दिलाने के एवज में 5,000 की रिश्वत की मांग की थी और इस दौरान पुलिस टीम ने मौके से ही सचिव जगदीश पांचाल को निजी कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया है। ये हमारा सीमांत किसान है, छोटा किसान है, तो मनरेगा के तहत नंदन फलोद्यान की एक स्कीम थी जिसमें इसके खेत में बगीचा पेड़ पौधे लगाए थे जो सेक्रेटरी जगदीप पंचाल को दिया था, फाल दिया था करीब 8-10 लाख पहले दिया था, तो इन्होंने अभी तक उसकी फाल को तैयार नहीं किया था, तो इन्होंने जो है 5,000 रुपये मांगे थे उससे। तो परसों 23 तारीख को ये आवेदक आया था जिसने 3,000 रुपये दिए थे और आज के बुलाता हूँ उन्हें 26 को आप जो है लेके आ। खबर रतलाम से है जहां 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। इसी को लेकर आदिवासी समन्वय मंच ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आदिवासी समन्वय द्वारा बताया गया है कि प्रदेश के आदिवासी समाज के समस्त लोगों की भावनाओं का मान सम्मान करते हुए उक्त दिवस को शासकीय अवकाश घोषित कर इस शासन स्तर पर मनाए जाने के आदेश प्रसारित किए गए हैं। प्रदेश के 1.5 करोड़ से अधिक आदिवासी जनों को न्याय प्रदान करने की कृपा की जाए। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासी विश्व दिवस की जो हमको एक बहुत बड़ा त्यौहार के रूप में दिया है, उसको हम प्रतिवर्ष इस भारत देश के आदिवासी मिलकर एक समन्वय स्थापित करते हुए आदिवासी विश्व दिवस हम मनाते हैं। लेकिन बड़ी विडम्बना की बात है कि कुछ सरकारें आदिवासी विश्व दिवस की छुट्टी घोषित कर दी और कुछ राज्यों में वहीं सिगरौली में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता वंशमणि वर्मा ने कलेक्टर को अपशब्द कहे हैं और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। आपको बता दें कि ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं पूर्व मंत्री के अभद्र भाषा उपयोग करने को लेकर भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष विनोद चौबे हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व मंत्री का ये बयान कांग्रेस की चाल चरित्र और चेहरे को दर्शाता है। कांग्रेस का जनाधार जानने के बाद बौखला गई है। ये बयान इनके दिवालिया मानसिकता को दर्शाता है। भाजपा युवा मोर्चा ज्ञापन देकर ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग करने वाले नेताओं के खिलाफ FIR करेंगे। वहीं जिला प्रशासन की शिकायत पर कोतवाली थाने में पूर्व मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और इसी क्रम में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष माननीय वंशमणि वर्मा जी, जो कि पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन के रहे हैं, ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए और ज्ञापन देने के दौरान उनके द्वारा जिला प्रशासन और कलेक्टर महोदय सिंगरौली के विरुद्ध अपमानजनक आभासी टिप्पणी की गई और जिला प्रशासन सिंगरौली की सूचना पर थाना बैढ़न में वंशमणि वर्मा जी के विरुद्ध धारा 294 भादवी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है। इंदौर के थाना रावजी बाजार में पुलिस लगातार गुंडा अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां पुलिस ने 24 बदमाशों पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि शराब माफिया पर हुए गोलीकांड के चलते वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था कि अपने अपने थाना क्षेत्र के सभी बदमाशों पर सख्त निगरानी रखी जाए, जिसके चलते थाना रावजी बाजार में सतत गुंडा अभियान जारी है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये गुंडा अभियान चलाया जा रहा है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी गणों के आदेश हुए हैं कि सतत ये गुंडा अभियान चलाया जाएगा। जो गत दिवस जो शराब माफिया सक्रिय हुआ और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनकी जो सरेआम गुंडागर्दी दिखाई जा रही है, जो नोटोरियस पर्सन्स हैं, जो गुंडा तत्व हैं, जो राह चलते लोगों को परेशान करते हैं, अनाधिकृत रूप से हफ्ता वसूली पैसा वसूली करते हैं और जिनके कारण लोगों में दहशत का माहौल है, भय व्याप्त है, उन रुक करते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में एक चोर को मंदिर से 50 रुपए चुराना महंगा पड़ गया। दरअसल इस पूरी घटना का वीडियो पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी
और इसी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वहीं कोरोना काल में अब छात्र बेहतर तरीके से अपना विषय चुन सकेंगे, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक रीवा के TRS कॉलेज को इसके लिए चुना गया है, जहां पर 35 से ज्यादा अपने विभाग के एक्सपर्ट छात्रों को क्लास देंगे, जिससे कि छात्र पढ़ाई के बाद अपना जीवन बेहतर तरीके से गुजार सके। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना उच्च शिक्षा विभाग के तत्वाधान में रीवा संभाग इकाई द्वारा 35 काउंसलर टीम का गठन किया गया है, जो कि पूरे संभाग में बच्चों की रुचि योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप विषय चयन से लेकर रोजगार के अवसर दिलाने तक के लिए उपयोगी होगी। कोई भी बच्चा किसी भी टाइम हमारे काउंसलर की टीम से कंसल्ट कर। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया है और घर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। चोरों ने घर से 12 लाख रुपए नगद और 50,000 रुपए कीमत के जेवर मौके से लेकर फरार हो गए हैं। वहीं आरोपी CCTV कैमरे में कैद हो गया है, जिसके बाद CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। ये शनिवार की रात को प्रीमियम पार्क में एक चोरी की घटना हुई है। इसमें जो बालिकाएं रहती थी मकान में, वो PSC का एग्ज़ाम देने के लिए उज्जैन में गई थी और उनका घर सूना था। और अगले दिन जब उन्हें देखा, CCTV फुटेज वगैरह उन्होंने चेक किए ऑनलाइन अपने घर के, तो उन्होंने देखा कि उनके कैमरे टेढ़े हैं और इसके आधार पे उन्होंने उनके पिताजी यहाँ इंदौर में आए प्रीमियम पार्क में घर में उन्होंने देखा तो उनके घर का दरवाज़ा टूटा हुआ था और अलमारी में रखा हुआ कैश 12 लाख रुपये कैश उन्होंने बताया है और कुछ 50-60 हज़ार। जावरा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्रदेश संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया गया है, जिनकी हड़ताल छठे दिन भी जारी रही है। वहीं धरने के दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष जावरा को ज्ञापन भी सौंपा गया है। अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए यह हड़ताल लगातार जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश में की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए Prime TV।